गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आज हम अपना पार्ट नंबर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इसमें कि एक राजा है जिनका नाम क्या है, उत्तानपाद, और उनकी दो रानियां हैं। पहली रानी का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि, और उन दोनों के ही एक एक पुत्र हैं। बड़ी रानी जो है सुनीति, उसका पुत्र का नाम है ध्रुव, और दूसरी रानी जिसका नाम है सुरुचि, उसके पुत्र का नाम है उत्तम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था उस वीडियो में कि जो छोटी रानी है वो बड़ी रानी और उसके बेटे को राजा के पास आने नहीं देती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि एक दिन जो राजा थे, राजा उत्तानपाद, वो अपने दरबार में बैठे हुए थे और जो छोटी रानी यानी कि सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वो उसको खिला रहे थे अपनी गोद में। तभी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कौन आता है, बड़ी रानी का बेटा ध्रुव वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है उसके बारे में हम अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था, तभी खेलते खेलते बालक ध्रुव भी वहाँ आ पहुँचा। ठीक है, वह भी पिता की गोद में बैठने की हट करने लगा। आपको पता है कि अब आप लोग भी हो, ठीक है, अगर आपका भाई है वो पापा के साथ खेल रहे हैं तो आप लोग को भी लगता है ना कि यार मैं भी खेलूंगा पापा के साथ। आप पापा को बोलते हो पापा मुझे भी गोदी मिलो, आपने छोटे वाले भाई को गोदी में ले रखा है। तो वैसे ही जो ध्रुव था उसका भी मन किया अपने पिता के साथ खेलने का, और वो जिद करने लगा कि मुझे पिताजी के साथ खेलना है, उनकी गोद में बैठना है। राजा ने उसे भी अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार करने लगा। अब राजा ने ऐसा होता ना, आपके पापा, आप लोग बोलते मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ, तो आपके पापा बोलते चल आ जा, तो फिर वो आपको भी प्यार करने लग जाते हैं ना। तो उसी तरह राजा ने भी ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और उनको प्यार करने लगा। रानी सुरुचि को इस बात का पता चल गया। अब क्या हुआ, रानी सुरुचि को इस बात का पता चला कि जो राजा है वो ध्रुव को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे हैं। वह उसी समय वहां आई और ध्रुव को अपने पुत्र उत्तम के साथ राजा की गोद में बैठा देख आग बबूला हो गई। अब जो रानी थी वो वहां पर आई और उसने देखा कि ध्रुव और उत्तम साथ में बैठे हैं, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और बोली, उसने क्या किया, ध्रुव को राजा की गोद से उतारा और बोलती है कि यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना था तो मेरे पुत्र के रूप में आते। अब क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना ही है तो तुमको मेरा पुत्र होना चाहिए था। मतलब कि क्या बोला उसने कि अगर तुम्हें राजा की गोद में खेलना है, अपने राजा के साथ मतलब अपने पिता के साथ खेलना है, उनसे बातें करनी है, तो तुम्हें मेरे बेटे के रूप में जन्म लेना चाहिए था। तुम राजा की गोद में बैठ नहीं सकते, और वो उसको ध्रुव को बोलते हैं कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, उसको उतार देते। तभी ध्रुव रोता हुआ अपनी मम्मी सुनीति के पास गया। अब होता है ना कि अगर कोई डांट दे तो रो जाते हैं बच्चे और अपनी मम्मी के पास जाते हैं, वैसे ही ध्रुव जो था वो रोते रोते अपनी मम्मी सुनीति के पास गया। उसने रोते रोते सारी बातें मम्मी को बताई, ठीक है, माता को बताई। सुनीति को बहुत दुख हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इसके बाद। लेकिन उसने ध्रुव को समझाया, जैसे कि होता है ना कोई कोई कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोग होता है कि मम्मी से शिकायत करते, मम्मी बोल देती ना कि नहीं उसको ऐसे नहीं करने चाहिए, चलो मैं देखती हूँ, मैं उससे बोलती हूँ, मैं बात करती हूँ। पर नहीं, जो ध्रुव की माता थी सुनीति, उन्होंने ध्रुव को समझाया, बेटा तुम भगवान की भक्ति करो। क्या करो, तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान सबके पिता हैं, उनकी गोद सबसे ऊंची है। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम भगवान की प्रेयर करो, भगवान को अपना पिता समझो, और उनसे जब आप प्रेयर करोगे तो वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। ठीक है, भगवान ऐसे हैं, मतलब कि अगर हम गलती भी करेंगे ना और हम उनसे जाके माफ़ी मांग लेंगे, उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, तो वो तब भी हमें स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यही ध्रुव को समझाया कि तुम भगवान की भक्ति करो, और भगवान जो है सबके पिता हैं, सबके, तुम्हारे हमारे सबके पिता वही हैं, उनकी गोद सबसे ऊंची है। माता का यह कहना मानकर ध्रुव जंगल में चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या की। अब यही चीज मानकर वो जंगल में गया और तपस्या की। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, भगवान जो थे उनकी तपस्या से बहुत खुश हुए। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और सदा सदा के लिए आकाश में स्थान दे दिया। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और सदा के लिए, हमेशा के लिए, उनको आसमान में स्थान दे दिया।
बच्चों यह ध्रुव आप बच्चों यह सब ध्रुव के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति की, उन्होंने मतलब पीछे नहीं हटे, भगवान की भक्ति की, मन लगाकर कि सिर्फ भगवान को ही उन्होंने याद किया, और इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, भगवान उनसे खुश हुए और उनको अपने साथ आकाश में यानी कि आसमान में स्थान दिया। और इसका परिणाम ये था कि वह तारे के रूप में आज भी आकाश में स्थित है। आपने सुना होगा ना, और ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा, तो वो ध्रुव तारा यही ध्रुव है जो आसमान में अभी तक है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पाठ है, पाठ नंबर 4 बालक ध्रुव, यहीं पर समाप्त होते हैं।